नमस्कार, मैं हूं आपका भाई विचित्र। आज मैं आपको बाबा फरीद जी के जीवन पर उनकी कहानी सुनाने जा रहा हूं। सुनिएगा। शेख फरीद जी पंजाबी के सूफी संत थे। इनके पूर्वज राजघरानों से थे। उनमें से एक इब्राहिम बिन अधम बलख के बादशाह रहे थे। इनका पहला विवाह एक राजकुमारी बीबी हजरबा अजीजा से हुआ था, जो गुलाम वंश के बादशाह बलबन की बेटी थी। फरीद जी को पंजाबी का आदि कवि कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके द्वारा लिखे गए पंजाबी के चार पद, शब्द और 112 श्लोकों को श्लोक फरीद के नाम से पंजाबी के आदि ग्रंथ, जो सिखों के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, उसमें सम्मान मिला है। इनके पिता बंदगी करने वाले इंसान थे। वो मुल्तान गांव के काजी थे। उनका नाम शेख जमाल उद सुलेमानी था। माता जी का नाम बीबी करसुम था, जो शेख वजीरुद्दीन की नाती थी। बीबी करसुम इतनी पवित्र और सुंदर थी कि लोग उन्हें प्यार और श्रद्धा से माता मरियम पुकारते थे। प्रभु की भक्ति से उन्होंने अलौकिक शक्तियां पाली थी, परंतु कभी भी उन्होंने अपने पूरे जीवन में इसका प्रदर्शन नहीं किया। फरीद जी का जन्म 1175 ईस्वी के आसपास गांव खोतवाल, जिला मुल्तान, पाकिस्तान में हुआ था। इनके जन्म पर पूरे गाँव में गरीबों में मिठाइयाँ बांटी गई। पिताजी ने इनका नाम शेख मसूद रखा। आगे चलकर ये हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर के नाम से मशहूर हुए। इनके पिता सूफी संत थे। उन्होंने नाफिया नाम की एक धार्मिक पुस्तक भी लिखी थी। इनकी माताजी इन्हें नमाजी बनाना चाहती थी, तो एक दिन वो नमाज पढ़ने लगी तो उन्होंने इन्हें अपने साथ नमाज अता करने को कहा। ये बोले, नमाज क्यों अम्मी? इनकी माताजी बोली, बेटा, हर मुसलमान को 5 वक्त की नमाज अता करना जरूरी होता है। इन्होंने पूछा, नमाज अता करने से क्या होगा? ये मीठे के शौकीन थे, तो नमाज पढ़ने की आदत डलवाने के लिए इनकी माताजी ने कहा, बेटा, नमाज अता करोगे तो तुम्हें मीठा खाने को मिलेगा। इन्होंने कहा, मीठा कौन देगा? माँ ने कहा, बेटा, सब कुछ खुदा का है, मीठा भी वही देगा। इन्होंने अपनी माँ की देखा देखी नमाज अता की और अपने तकिए के नीचे से शक्कर की पुड़िया निकाल कर खा ली, जो इनकी माताजी ने पहले ही इनके तकिए के नीचे रख दी थी। ये रोज़ाना नमाज अता करने लगे। नमाज पढ़कर तकिए के नीचे से पुड़िया निकालते और खा लेते। धीरे धीरे ये 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे। पहली फजर की, दूसरी जुहर की, तीसरी असर की, चौथी मगरिब की और 5वीं ईशा की। ये 5 वक्त की नमाज पढ़ने के आदि हो गए। एक दिन नमाज से पहले इनकी माता जी इनके तकिए के नीचे शक्कर रखना भूल गई। इन्होंने नमाज अता की और तकिए के नीचे से पुड़िया निकालकर खाने लगे। माता जी ने उन्हें कुछ खाते देखा तो पूछा, क्या खा रहे हो? तो इन्होंने कहा, माँ, शक्कर खा रहा हूँ। माँ ने अपने बेटे के हाथ में पुड़िया का कागज देखा तो हैरान हो गई। खुदा के करिश्मे को देखकर गदगद हो गई। दौड़कर अपने बेटे को गले से लगा लिया और कहा, आ मेरे लाल शकरगंज, सचमुच तुझे खुदा ने ही शक्कर खिलाई है, शकरगंज। इसके बाद इनके नाम के साथ गंज शक्कर जुड़ गया। ये हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर हो गए। शुरू से ही घर में माता पिता का धार्मिक विचारों पर वार्तालाप चलता रहता था। घर में बंदगी का माहौल होने के कारण ये भी धार्मिक ख्यालों के हो गए थे। इनकी छोटी आयु में ही इनके पिता का इंतकाल हो गया था। इनकी माताजी इस्लाम तालीम की अच्छी जानकार थी। घर में ही उन्होंने इन्हें 12 साल की उम्र में कुरान मजीद का अध्ययन करवा दिया। इसी दौरान उन्होंने इन्हें तपस्या से सिद्धि प्राप्त करने का ज्ञान दिया। इन्होंने तभी से मन में ठान लिया था कि बड़े होकर तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त करेंगे। जब ये कुछ बड़े हुए तो एक दिन तपस्या के लिए घर से निकल गई। एक जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। सर्दी गर्मी सहकर जंगली फल खाए। जब कोई फल नहीं मिला तो पेड़ों से पत्ते तोड़कर भी खाए। फिर इन्होंने हठयोग की तपस्या भी की। लगभग 12 साल की तपस्या के बाद एक दिन चिड़ियों की चहचहाट इन्हें विचलित कर रही थी, तो इन्होंने गुस्से में आकर कहा, चिड़ियों, मर जाओ। वहाँ जितनी भी चिड़ियाँ चहचहा रही थी, एकाएक जमीन पर गिरकर मर गई। इन्होंने देखा कि मेरे कहने मात्र से चिड़ियाँ जमीन पर गिरकर मर गई हैं। इन्हें एहसास हुआ कि इन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई है। इन्होंने दोबारा अपनी सिद्धि आजमाने के लिए चिड़ियों को देखा और बोले, चिड़ियों, उड़ जाओ। वहाँ जितनी भी चिड़ियाँ जमीन पर गिरकर मर गई थी, उनमें जान आ गई और वो अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। इन्हें विश्वास हो गया कि इन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई है, वो सिद्ध हो गए हैं। अहंकार में उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। अपनी खुशी को अपनी माताजी के साथ बांटने अपने घर अपने गांव की ओर चल दिए। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया। इन्हें प्यास लगने लगी तो ये आसपास कुआं तलाशने लगे।
थोड़ी दूर चलने पर इन्हें एक कुआं दिखाई दिया। इन्होंने देखा कि एक स्त्री उस कुएं से पानी भर रही है। ये कुएं के पास गए और उस स्त्री से कहा, कन्या मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। उस स्त्री ने इनकी बात सुनी अनसुनी कर दी और कुएं से पानी निकालकर हवा में बिखेर दिया। इन्होंने सोचा शायद कन्या की नज़र में पानी पीने लायक नहीं था, इसलिए बिखेर दिया है। उस स्त्री ने दोबारा कुएं में डोल डाला और पानी निकालकर पहले की तरह हवा में बिखेर दिया। दो तीन बार स्त्री ने ऐसा ही किया तो इन्हें थोड़ा गुस्सा आया और स्त्री से बोले, कन्या मैं प्यासा हूँ, पहले मुझे पानी पिला दो, फिर जितना बिखेरना है बिखेर देना। उस स्त्री ने डोल कुएं में डालते हुए जवाब दिया, फरीद जी बड़े प्यासे हो, थोड़ा धैर्य रखो, मेरी बहन का झोपड़ा यहाँ से 20 कोस दूर है, उसमें आग लग गई है। डोल ऊपर खींचकर पानी हवा में बिखेरते हुए कहा, पहले उसे बुझाने दो, फिर मैं आपकी प्यास बुझाती हूँ। इन्होंने सुना तो कुछ हैरान हो गए और सोचा, तो ये कन्या भी सिद्ध है। उस स्त्री ने आगे कहा, फरीद जी यहाँ चिड़िया नहीं है जो आपके कहने से मर जाएंगी और आपके कहने से जी जाएंगी। ये सुनकर इनको और भी आश्चर्य हुआ कि ये तो अभी अभी मेरे साथ हुआ है, इसे कैसे मालूम हो गया, ये तो मेरे बारे में सब कुछ जानती है। इन्होंने ध्यान से देखा, स्त्री पानी हवा में बिखेर रही है, वो जमीन पर नहीं गिर रहा, ये चुपचाप पेड़ के नीचे बैठ गए। ये समझ गए कि ये स्त्री कोई बड़ी सिद्ध है। ये उस स्त्री को कुएं से पानी भरते और हवा में बिखेरते देखते रहे। कुछ देर बाद वो स्त्री पानी से भरा मटका इनके पास लेकर आई और बोली, लो फरीद जी पानी पी लो। ये बोले, कन्या मैं पानी बाद में पीऊँगा, पहले ये बताओ कि आप मुझे कैसे जानती हैं और 20 कोस दूर पानी पहुंचाने की सिद्धि कैसे प्राप्त की। उस स्त्री ने कहा, मैं तो केवल अपने पति को परमेश्वर जानकर उनके निस्वार्थ भाव से सेवा करती हूँ, किसी को दुखी नहीं करती और अहंकार भी नहीं करती। आपने अपने अहंकार में सिद्धि परखने के लिए भगवान की परीक्षा ले ली, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें उस स्त्री की बातें उचित लगी और अपने व्यवहार पर पछताने लगे, चुप हो गए, पानी पीने के लिए अपने हाथ की ओक बनाई और उस स्त्री के आगे झुक गए। उस स्त्री ने पानी पिलाना शुरू किया, ये पानी पीने लगे, पीते गए, मटके से न तो पानी खत्म हो रहा था और ना ही इनकी प्यास। ये पानी पीते पीते विचारों में खो गए। समय बीतता गया, जब इन्हें होश आया तो इन्होंने अपनी ओक हटाई। ओक हटाते ही जो देखा हैरान, सब गायब था, वहाँ कोई भी ना था। वो कुएं की मुंडेर के पास गए, कुएं में झांका तो और भी हैरान, कुआं सूखा पड़ा था, उसमें पानी नहीं था। ये वहीं बैठ गए, सोचने लगे, ये सब क्या था, किस लिए हुआ, मुझे अहंकारी बनने से रोकने के लिए क्या ये प्रभु ने माया रची, मुझे अहंकार नहीं करना चाहिए। इन्होंने तभी अहंकार त्याग दिया और अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचे तो 12 साल बाद अपने जवान बेटे को देखकर माता जी बेहद खुश हो गई, बेटे की बलाएं लेने लगी, चूमने लगी, इनके लिए साफ सुथरे कपड़े निकाले और उन्हें अच्छे से नहा धोकर आने को कहा, फिर खुद एक पीढ़ी पर बैठ गई। नहा धोकर फरीद जी अपनी माँ के पास आए और उनकी गोद में अपना सिर रखकर उनके पैरों में बैठ गए। माँ ने बड़े प्यार से अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा, बाल काफ़ी उलझे हुए थे, बालों में जटाएँ बन गई थी, माँ धीरे धीरे बाल संवारने लगी। बाल संवारते संवारते इनके कुछ बाल खिंच गए तो इन्हें पीड़ा हुई और इनके मुंह से उई निकल गई। तो स्वाभाविक ही माँ ने इनसे कहा, फरीद जब पेड़ों से पत्ते तोड़ता था तो पेड़ों को भी तकलीफ होती थी। इन्होंने कहा, माँ पेड़ पौधों को कैसी तकलीफ। माँ ने कहा, बेटा तकलीफ सबको होती है, जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे सब में परमात्मा का वास होता है। अपनी माँ की बातें सुनकर इन्होंने मन में ठान लिया कि इंसान को तो क्या कभी भी किसी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों को कष्ट नहीं देंगे। कुछ दिन बाद माँ ने इनसे कहा, बेटा तुम्हें एक गुरु खोजना होगा, गुरु के बिना तपस्या भी सफल नहीं होती। कुछ दिन बाद ये गुरु की तलाश में घर से निकल गए। गुरु की तलाश में चलते चलते ये बगदाद पहुँच गए। वहाँ इन्हें शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी की जानकारी मिली। उनकी ख्याति और रुतबा देखकर इन्होंने उनका मुरीद होने का मन बना लिया। ये उमर सरवर्दी के डेरे पर पहुंच गए, उन्हें जाकर बोले, गुरुजी मैं आपका मुरीद होने आया हूं, मुझे अपने डेरे में जगह दे दें। उमर सरवर्दी ने इन्हें देखा और अपने डेरे में रहने की इजाज़त दे दी। वैसे तो शेख साहबुद्दीन उमर सरवर्दी के चेलों की संख्या काफ़ी थी, फिर भी वो किसी को मायूस नहीं करते थे, ये उनके डेरे में रहने लगे और बंदगी करने लगे।
एक दिन सब चेलों के साथ फरीद जी की बगल में उमर सरवर्दी भी खाना खाने बैठे हुए थे। एक कनीज सबके हाथ धुलवाने आई, बारी बारी सब हाथ धोने लगे। जब इनकी बारी आई तो वो कनीज इनके भी हाथ धुलाने लगी। इनकी नज़र उस कनीज के चेहरे पर पड़ी तो ये उसे देखने लगे। उस खूबसूरत कनीज को इन्हें टकटकी लगा कर देखते दूसरे चेले देख रहे थे, वो सब आपस में खुसर पुसर करने लगे। इनकी नज़र उस कनीज के चेहरे पर थी और हाथ धो रहे थे, हाथ धोते रहे जब तक सुराही का पानी ख़त्म नहीं हो गया। जब पानी ख़त्म हो गया तो कनीज वहाँ से चली गई। दूसरे चेलों में से एक ने जोरदार आवाज़ में इन्हें ताना मारते हुए कहा, ये मसूद यहाँ मुरीद बनने आया है, औरतों को टकटकी लगाकर देख रहा है, इसे इतनी भी समझ नहीं कि औरतों को ऐसे नहीं देखा जाता। ये सारा माजरा उमर सरवर्दी खामोश देख रहे थे। इन्होंने कहा, मुझ पर तोहमत मत लगाओ, मैं जब अपने हाथ धोने लगा तो मेरी नज़र कनीज पर नहीं उसकी पेशानी पर पड़ गई थी और मैंने उसकी परेशानी पढ़ ली जिसमें इस कनीज को दोजख की यातना भोगनी पड़ रही थी। मुझे ख्याल आया कि जिस कनीज ने अपनी सारी उम्र शेख साहबुद्दीन उमर सरवर्दी के डेरे में खिदमत करके बिताई है वो दोजख की यातनाएं क्यों भोग रही है, तो मैंने उस लेख को ही धोना शुरू कर दिया। मैं उसका चेहरा नहीं देख रहा था, मैं उसकी पेशानी देख रहा था और वो लेख धो रहा था। मैं तब तक धोता रहा जब तक वो मिट ना गया। उमर सरवर्दी ने गदगद होकर चिल्लाकर कहा, मसूद सुभान अल्लाह, तेरा हाल इल्म अभी ऐसा है तो मुरीद होने के बाद क्या होगा। शेख साहबुद्दीन उमर सरवर्दी ने कुछ दिन इन्हें अपने पास रखा, फिर एक दिन इनसे कहा, मसूद तेरी मंजिल मुल्तान में तेरा इंतजार कर रही है, तुझे वहाँ जाना होगा, और उन्होंने इन्हें मुल्तान भेज दिया। गुरु की तलाश में ये बगदाद से मुल्तान पहुँच गए। वहाँ एक मस्जिद में इलम लेने लगे। एक दिन एकांत में ये अपने पिता की लिखी नाफिया पढ़ रहे थे। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उस मस्जिद में पधारे। उनकी नज़र इन पर पड़ी, उन्होंने इन्हें आवाज़ लगाई, फरीद क्या पढ़ रहे हो। इन्होंने जवाब दिया, जी नफ़े पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें ये नफ़े देंगी। जब इन्होंने ये सुना तो सवाल पूछने वाले को देखने के लिए अपनी नज़र ऊपर की तो ख्वाजा काकी के चेहरे की रूहानियत देखकर दंग रह गए। उन्हें महसूस हुआ कि ये ही है मेरे मुर्शद, मेरे गुरु। ये उनके मुरीद हो गए। उनको सजदा किया और कहा, मेरे आका ये नफ़े मुझे नफ़ा दें ना दें, पर आपकी नज़र इनायत मुझे नफ़े अवश्य देंगी। काकी जी ने कहा, फरीद तुम्हें ये किताबें नफ़े अवश्य देंगी। इन्होंने हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपना गुरु बना लिया। अगले रोज़ काकी जी दिल्ली रुखसत होने लगे तो इन्होंने भी उनके साथ चलने की आज्ञा मांगी। तो उन्होंने इनसे कहा, फरीद अभी यहाँ रुक कर आगे और तालीम हासिल करो, फिर मेरे पास दिल्ली आना। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली चले गए। इन्होंने मुल्तान की मस्जिद में पढ़ाई की, अपने पिता की लिखी किताब नाफिया का अध्ययन किया। एक दिन ये हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास दिल्ली आ गए और उनकी सेवा करने लगे। ये उनके लिए हर सुबह नमाज से पहले नहाने का पानी गर्म करते थे और पहनने वाले कपड़ों को दुरुस्त करते थे। हर नमाज से पहले उनके हाथ पैर धुलवाते थे। काकी ने इन्हें चिल्लाए माकूस तपस्या करने को कहा। इस तपस्या में सिर नीचे और पैर ऊपर करके प्रभु सिमरण करते हैं। इस कठिन तपस्या के अभ्यास से इन्होंने अपने मन पर काबू पाया और करामाती फकीर बन गए। ये वो दौर था जब सब लोग सुबह की रसोई के लिए रात को आग संभाल कर रखते थे। एक रात बादलों की गड़गड़ाहट से इनकी नींद खुली, बरसात जोरों से हो रही थी। ये भाग कर बाहर गए, जिसमें आग संभाल कर रखी थी उसमें पानी चला गया था, आग बुझ गई थी। ये चिंता में पड़ गए कि सुबह गुरुजी के लिए पानी गर्म कैसे होगा। चारों तरफ अंधेरा था, पर बादलों की गड़गड़ाहट के बाद बिजली के चमकने से रास्ता दिखाई दे जाता था। थोड़ी दूर एक घर में रोशनी नजर आई तो इनको आग मिलने की आस भी नजर आई। जहाँ रोशनी है वहाँ आग भी मिल जाएगी। आग लेने के लिए उस घर की ओर चल दिए। बेख्याल से ये उस घर में घुस गए और वहाँ एक स्त्री को देखकर उससे कहा, मुझे आग चाहिए, कि आप मुझे आग देंगी। वो स्त्री इनके खूबसूरत चेहरे को निहारने लगी और वासनावश इनसे बोली, आपको आग चाहिए, मैं आपको आग दे दूंगी, और जो मुझे चाहिए क्या वो आप मुझे देंगे। इन्होंने तुरंत कहा, हाँ अवश्य। उस स्त्री ने कहा, आपकी आँखें बहुत प्यारी हैं, क्या आप मुझे ये दे देंगे। इन्होंने कहा, बेशक आप ले लीजिए,
पर मुझे आग अवश्य दे दीजिए। उस स्त्री ने वहाँ पड़ा खंजर उठाया और इनकी आँख निकालने के लिए आगे बढ़ी। उसने सोचा ये पीछे हो जाएंगे, अपनी जान बचाएंगे, पर ये निडर खड़े रहे तो खंजर इनकी आँख में धस गया और खून निकलने लगा। उस स्त्री को मानो करंट लगा और वो पीछे गिर गई। खून देखकर वो घबरा गई, भागकर अंदर से पट्टी ले आई और इनकी आँख पर बांध दी। इन्होंने कहा अब मुझे आग तो दे दो। उसने इन्हें आग लाकर दे दी। ये आग लेकर डेरे आ गए। उस दिन नमाज के बाद हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने इनकी आँख पर पट्टी बंधी देखी तो उन्होंने अपनी आँखें बंद की तो सारा वाक्य नज़र आ गया। अपनी नज़र इनायत से इनकी आँख ठीक कर दी और मुस्कुराकर इनसे पूछा फरीद आँख पर पट्टी क्यों बांधी है? इन्होंने रात का वाक्य बताना मुनासिब नहीं समझा और कहा जी मेरी आँख आ गई है। काकी मुस्कुराए कि ये कह तो सही रहा है पर बतला गलत रहा है कि इसकी आँख आ गई है। उन्होंने इन्हें समझाने के लिए कहा आँख आ गई है। इन्होंने समझाया कि वो दोबारा पूछ रहे हैं तो ये बोले जी जी आँख आ गई है। काकी जी ने दोहराया फरीद आँख आ गई है। मतलब काकी जी की नज़र इनायत से फरीद की आँख ठीक हो गई थी पर इन्हें पता नहीं चला और इन्होंने फिर कहा जी आँख आ गई है। काकी जी ने कहा फरीद आँख आ गई है तो पट्टी खोल। इन्होंने अपने गुरु जी की बात मानी और अपनी आँख से पट्टी उतार दी। आँख सही सलामत थी, कोई घाव नहीं था। गुरु जी की इनायत देखकर ये उनके पैरों में गिर गए। काकी जी ने इन्हें उठाया और कहा फरीद तेरी तपस्या पूरी हो गई है, जा अपना जीवन इस्लाम की सेवा में लगा। काकी जी ने इनका विवाह गुलाम वंश के बादशाह बलबन की बेटी बीबी हजरबा अजीजा के साथ करवा दिया। शादी के बाद ये दिल्ली से फरीदकोट, कोतवाल, मुल्तान होते हुए पाकपट्टन में जाकर बस गए। इनका दूसरा विवाह बीबी कलसुम से और तीसरा बीबी शादरा से हुआ। इनकी 8 संतानें थीं, 5 साहिबजादे, शेख साबुद्दीन, ख्वाजा शेख नसरुद्दीन, शेख बदरुद्दीन, शेख निज़ामुद्दीन, शेख याकूब और शेख अब्दुल्ला। 3 साहिबजादियाँ बीबी फातिमा मौलाना, बीबी फातिमा मस्तूरा और बीबी शारिफा। इन्होंने अपना सारा जीवन इस्लाम की सेवा में लगाया। बाबा फरीद की मृत्यु 1265 ईस्वी में हो गई। पाकपट्टन में आज भी वो कुआं इनकी धरोहर है जिसमें फरीद जी अपने शरीर को लटकाकर हठ योग द्वारा परमात्मा की बंदगी किया करते थे। इनकी मृत्यु के बाद इनकी गद्दी के गद्दी नशीन इनके बेटे शेख बदरुद्दीन हुए। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब इनकी 12वीं गद्दी पर 15वीं सदी के अंत में शेख इब्राहिम विराजे, 16वीं सदी के उत्तरार्ध में शेख इब्राहिम की मुलाकात सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी से हुई। उनसे आपके आध्यात्मिक और उपदेशक श्लोकों को सुनकर नानक जी काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने आपके श्लोकों को श्लोक फरीद के नाम से अपनी वाणी और श्लोकों के साथ सम्मान सहित नानक पोथी में संग्रहित किया। 17वीं सदी में सिखों के आदि ग्रंथ में और फिर 18वीं सदी के उत्तरार्ध में 1705 ईस्वी में श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा सिखों के गुरुओं की वाणियों के साथ कुछ भक्तों की वाणियों को भी आदि ग्रंथ अर्थात श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में स्थान मिला जिसमें इनके 4 शब्द और 112 श्लोक हैं। फरीद जी अरबी और फारसी भाषा के अच्छे जानकार थे पर पंजाबी भाषा से उन्हें गहरा लगाव था, इसीलिए उन्होंने पंजाबी में अपने दोहों और श्लोकों को कलमबद्ध किया। पंजाब के फरीदकोट शहर का पुराना नाम मोखलपुर था। मोखलपुर में बाबा फरीद जी 40 दिन रहे थे। उस दौरान वहाँ के राजा मोखल आपके दिव्य ज्ञान से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने मोखलपुर को फरीदकोट का नाम दे दिया। जहाँ बाबा फरीद जी 40 दिन ठहरे थे उस स्थान को बाबा फरीद का टीला कहा जाता है, जहाँ हर साल 21 सितंबर से 23 सितंबर तक 3 दिन बाबा शेख फरीद आगमन पर्व मेला मनाया जाता है। उनके कुछ दोहे मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। जो तै मारण मुक्कियाँ उन्ना ना मारो कुम, अपने घर जाइए पैर तिना दे चुम। जो तू अकल लतीफ हैं काले लिख ना लेख, अपने गृहबान में सिर नीवा कर वेख। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो, वेख पराई चौपड़ी ना तरसाइए जीव। ये थी बाबा फरीद जी की कहानी। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।